इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें इस्लामाबाद से, जहां भारत के बड़े कदम से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान की संसद का संयुक्त सत्र बुला लिया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह सत्र बुलाया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद इस सत्र को बुलाया गया है। कश्मीर मामले पर कल चर्चा करेगी पाकिस्तानी संसद। तो आपको बता दें, जो फैसला आज भारत में लिया गया धारा 370 हटाने का जम्मू कश्मीर से, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने संसद सत्र बुलाया है और ऐसे में कल इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर, तो पाकिस्तान में खलबली मची है 370 हटने के बाद से, और उसके बाद अब संसद सत्र पाकिस्तान में बुलाया गया है। कश्मीर मामले को लेकर कल पाकिस्तानी संसद में चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद से। तो आज का ऐतिहासिक दिन भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए डर का दिन, और पाकिस्तान में इसको लेकर वो डर नजर भी आ रहा है और खलबली जो है वो देखने को भी मिल रही है। इस्लामाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहा है, भारत के बड़े कदम से पाकिस्तान में खलबली मची है। और आपको बता दें, पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ ने संसद सत्र बुलाया है। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ एस के वर्मा साहब हैं, आंतरिक सुरक्षा के जानकार, बहुत स्वागत है सर आपका। मिथिलेश पांडे हमारे साथ हैं, संविधान विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत है सर। गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ है, रिटायर्ड कर्नल है। सबसे पहले गोपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये संसद सत्र बुलाया गया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो वैसे ही खौफ खाता है। सीधे तौर पर भी कहा जाए कि खलबली पूरी तरीके से नजर आ रही है। देखिए, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा 370 हटाने का, वो फौजों के ऑपरेशंस में सहूलियत होगी जी, और जो टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ पर बड़े फ्रीली हो रही थी और जिनको वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट था, वो बंद हो जाएंगी। तो जो पाकिस्तान प्लान कर रहा था छद वॉर के लिए या प्रॉक्सी वॉर के, जो प्लान करके वहाँ से टेररिस्ट भेजा करता था, और जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके रहनुमा हुआ करते, जो उनकी जिनको मदद दिया करता था, जिनको पैसे भेज के यहाँ पर स्टोर पैल्टी कराता था और लोगों को उकसाता था, वो बंद हो जाएगा। इसलिए वहां पर खड़ी के आगे वो क्या फैसला गया, ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं। एस के वर्मा साहब, इस्लामाबाद में जिस तरीके से संसद सत्र बुलाया गया है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसको उसी तरह से देख रहा हूँ कि जो अब तक हम कहा करते थे कि मैं ये हमलाए हैं, बौखलाए हैं। गोपाल जी आपके पास आऊंगी मैं दोबारा। एस के वर्मा साहब बोलिए। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि कश्मीर को हम लोग अभी भी ये कहते थे कि ये हमारा अभिन्न अंग है, और उसको लेकर पाकिस्तान में सदा ये बात रहती थी कि साहब कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड एरिया है जी। पाकिस्तान इस चीज को लेके इंटरनेशनल लेवल से लेके अपने आम जनमानस को विश्वास में बताने की कोशिश करता रहता था कि वी आर मतलब ऑन द वेट के ये इसको डिस्प्यूटेड लैंड के रूप में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की डेट में जब हमने ये प्रूव कर दिया कि इट इज आवर इंटीग्रल पार्ट और हम इसके लिए कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, और वही हमने लिया। धारा 370 तो हटाई, हमने ये भी एक विचार लाए हैं, बिल के रूप में लाएंगे उसको, कि इसको दो हिस्सों में हम बांटना चाह रहे हैं, एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभाओं का भी परिसीमन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि विधानसभाओं की संख्या भी जम्मू जहां अभी तक एरिया के बेस्ट पे थी और कश्मीर में ज्यादा विधानसभाएं थी, अब आगे आने वाले समय में आयोग उस पर कार्य कर रहा है, चुनाव आयोग, के अब एरिया के साथ साथ पॉपुलेशन बेस्ड कॉन्स्टिट्युएंसी बनाई जाएंगी। और पॉपुलेशन बेस्ड कॉन्स्टिट्युएंसी का मतलब ये होगा कि जम्मू रीजन में हमारी ज्यादा विधानसभा की कॉन्स्टिट्युएंसी होंगी और उनकी ज्यादा से विधानसभा में वहां होगी। विधानसभा के भी जो अधिकार दिए गए थे 370 के तहत, काफी बड़े अधिकार उनको दिए गए थे स्पेशल उसके लिए कि विधानसभा वहां 6 साल की होती थी, विधानसभा के बिना अनुमति के कोई चेंज मुश्किल था, केंद्र के द्वारा भी किया जाना, वो 370 हटने से करीब करीब अब विधानसभा वहां की उसी तरह की हो जाएगी जैसे कि दिल्ली की है। और उपराज्यपाल को ज्यादातर अधिकार रहेंगे, उपराज्यपाल के अधीन ही पुलिस होगी, और बेहतर रूप में हम
टेररिज्म पर भी अंकुश लगा पाएंगे, लगा चुके हैं पिछले 5-6 महीने में। आप देखेंगे कि टेररिज्म करीब करीब खत्म, बिल्कुल, लेकिन आतंकवाद को और कड़ी तौर पर तोड़ने के लिए एक बहुत बेहतर कदम बहुत और सामने निकल गया, बहुत बेहतर ये वो रहा है डिसीजन। और दूसरे विकास को बहुत तेजी से गति मिलेगी, बिल्कुल, अब विकास हो पाएगा और बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर में, अब तक जो नहीं हो पा रहा था, बाहर के इन्वेस्टर्स वहां जा पाएंगे। और ये जो स्टोन पेल्टिंग वाली जो बात आती थी, स्टोन पेल्टिंग में वहां के युवाओं को जोड़ा जाता था, उसका मेन कारण ही ये था कि वहां बेरोजगारी थी, युवाओं के पास रोजगार कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन मिलती हुई नजर आएगी। सही, मिथिलेश पांडे जी भी हमारे साथ हैं, स्टोन पेल्टिंग पर ध्यान दिया जाता है, मिथिलेश पांडे जी भी हमारे साथ हैं, मेरे ख्याल से जब रोजगार के अवसर भी आएंगे तो स्टोन पेल्टिंग भी खत्म, बिल्कुल बिल्कुल। मिथिलेश पांडे जी भी हमारे साथ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। मिथिलेश पांडे जी, आज जो फैसला लिया गया है, पाकिस्तान तो सीधे तौर पर डरा हुआ है और ये डर पाकिस्तान का भारत से बार बार नजर भी आता है, लेकिन एक ऐतिहासिक दिन आज है। ऐसे में इस बिल की अगर बात कर ली जाए तो क्या पहले ऐसा फैसला, इतना सख्त फैसला क्या नहीं लिया जा सकता था? क्या इतना मुश्किल था ये? देखिए, ये मोदी जी की सरकार सिर्फ वही काम कर रही है जो संविधान में लिखा हुआ है, हाँ। अलग से कुछ नहीं कर रही, लेकिन मोदी सरकार की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है और उस इच्छा शक्ति का नतीजा ये निकला कि अमित शाह ने जो जाल बिछाया है, जो इन्होंने चक्रव्यूह रचा है, इस चक्रव्यूह में न केवल पाकिस्तान बल्कि हर भारत विरोधी शक्तियां अपने आप फंसेगी और ये अमित शाह के चक्रव्यूह में सारे गद्दार देश के अपना दम तोड़ देंगे, ये तो निश्चित है। अब एक्चुअली है क्या, इसको लीगल वे में समझने की जरूरत है कि 35A है क्या। हाँ। पहली बात कि 35A कभी भी संविधान का, उस संविधान का अंग नहीं रहा, नहीं था जो भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। ये बाद में एक परिशिष्ट के रूप में, अपेंडिक्स के रूप में 35A जोड़ दिया गया, ये अनुच्छेद था ही नहीं, और ये एक टेम्पोररी ऑर्डर था, 1954 का एक टेम्पोररी ऑर्डर था। उस टेम्पोररी ऑर्डर को अमित शाह ने अपनी इच्छा शक्ति से हटा दिया, स्क्रैप कर दिया, डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब आइए 370 पे। 370 भी एक, हालांकि एक परमानेंट प्रोविजन था, लेकिन 370 के पहले ही एक दो प्रोविजन पहले एक आर्टिकल है 368। 368 में केंद्र सरकार को और संसद को इतनी बड़ी पावर है, उस पावर का अमित शाह ने उपयोग किया और उपयोग करके एक देश विरोधी अनुच्छेद को अमित शाह ने हटा दिया। इसे भारत सिर्फ पाकिस्तान के ही सामने नहीं, विश्व में एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले देश के रूप में जाना जाएगा। और इसका असर यह होगा आम जनता पे कि जैसे दिल्ली हमारा राज्य है, दिल्ली राज्य है, यहाँ विधानसभा भी है लेकिन यहाँ की पुलिस केंद्र के हवाले है, वैसे ही कश्मीर एक राज्य रहेगा, लोकप्रिय सरकार बनेगी, चुनाव होगा और जनता उस लोकप्रिय सरकार का मौज लेगी और जनता का डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो पुलिस व्यवस्था है वो केंद्र के पास रहेगा। इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि फॉरेन से इन्वेस्टर आएंगे, लोग वहां अपनी संपत्ति जलाएंगे, हर आदमी वहां बच सकेगा। और ये जो अभी सुनने में आ रहा है पाकिस्तान ने जो सत्र बनाया है, एक अपने पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र बनाया है, वो कुछ नहीं है, पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हिसाब है। उस सत्र का न कहीं कोई देश उसको गंभीरता से लेगा और न ही भारत लेंगी, और पाकिस्तान अभी बहुत ही डरा हुआ है, सकुचाया हुआ। अब उस पाकिस्तान में आज की डेट में जो आतंकवादियों की फौज खड़ी है, अब वो घुसपैठ कर नहीं पाएगी, उनको रोजगार खत्म हो गया उन आतंकवादियों का, अब वो सारे पाकिस्तान में ही बम फोड़ेंगे, जो हिंदुस्तान में भेजने की बात थी। अब जम्मू कश्मीर पुलिस जो केंद्र की होगी वो मदद नहीं कर पाएगी आतंकवादियों को, यानी कि पाकिस्तान की जो कमर है वो तोड़कर भारत ने यहाँ पे रख दिया, मोदी सरकार ने रख दिया। पाकिस्तान की कमर तोड़ने का सिलसिला 2014 में के बाद ही मोदी सरकार शुरू कर चुकी थी। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये 370 हटाने के पहले अमित शाह का चक्रव्यूह समझिए, 370 के पहले जो NIA जो अभी एक्ट पास हुआ आतंकवाद विरोधी, उस एक्ट में ये दे दिया गया है कि आप ज्यादा मतलब बिना मतलब निपटने का व्यवस्था 370 के 10 दिन पहले ही कर लिया गया है पहले वाले बिल में, बिल्कुल, यानी कि बाद की स्थिति को भी पहले से क्लियर करके पाकिस्तान की कमर ही नहीं टूटी है। सारे वहां पे जितने वो जेट सिक्योरिटी लेके भारत सरकार का घूम रहे थे जो आतंकवादी, मुफ्ती महबूबा और ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, ये बेरोजगार हो जाएंगे, सेकने की कोशिश करते। सर एक सवाल मेरा और है आपसे, एक क्लॉज जो है 370 में वो छोड़ा गया है, वो क्लॉज क्या है और उसको छोड़ने का कारण है, ये थोड़ा इस पे स्पष्टता मैं आपसे चाहूंगी।
देखिए इसके लिए आपको संविधान को गहराई समझना होगा। इस संविधान में जब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया उसमें 370 का क्लॉज तो था और खंड एक था। खंड एक के बाद 370 में कई खंडे हैं, जैसे ए बी सी ऐसे ऐसे हैं। लेकिन जो 35A लागू किया गया था बाद में वो एक ऑर्डर के द्वारा लागू किया गया था, तो उसको तो स्क्रैप कर दिया गया। अब खंड ए इसलिए बना है कि चूंकि वहां विधानसभा रहेगी, वो नहीं जा रही है लेकिन विधानसभा रहेगी और वहां के शासन प्रशासन और डेली नीड की चीजें हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के हाथ में रहेगा, मतलब दिल्ली के पास रहेगा। उससे संबंधित जो चीजें हैं उसको एज इट इज रखा गया है। कश्मीर का जो 370 का मतलब ये था कि कैसे वो भारत से जुड़ा रहेगा। अब ये है कि भारत से जो जुड़ा रहने वाला खंड एक है वो रहेगा और जो भारत के अलगाववादियों को सपोर्ट करता था बाकी सब खंड उनको हटा दिया गया है। ठीक, हमारे साथ एस के वर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं। एस के वर्मा साहब, जैसा कि आपने कहा सर यहाँ पर कि विकास जो है वो अब और तेज रफ्तार पकड़ेगा, एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो पाएगा, लेकिन अब अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, जो सरकारें रही हैं जम्मू कश्मीर में पीडीपी की खासकर बात कर ली जाए, क्योंकि फंड तो केंद्र सरकार पे इसके लिए आश्रित पहले से था, फंड तब भी दिया जाता था, लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि वो जो फंड आता था वो आखिर सही से इन्वेस्ट हो भी पाता था या नहीं, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या जो है वो अक्सर बनी रही जम्मू कश्मीर में, उसी के चलते हमने देखा किस तरीके से पत्थरबाज वहां पर पनपे। तो कहीं ना कहीं अब जब 370 हट चुकी है और इसकी जांच भी होगी कि आपने आखिर पैसा जो लिया केंद्र से इन्वेस्ट कहां करा, तो कई भ्रष्टाचारी जो है वो भी उजागर होंगे। दो चीजें आप जो कहना चाह रही हैं, एक तो होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू को उसमें मर्ज करके और ज्यादातर विकास की योजनाओं को लागू करती है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एज वेल एज ऑन द जो भी सेक्टर्स हैं, चाहे हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि एफडीआई के साथ साथ बाहर की जो कंपनियां हैं जो हमारे अदर राज्यों की हैं या देश की बाकी जो कंपनी है, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, वो आपका रिलायंस है, अडानी है, जो भी कंपनियां हैं उनका इन्वेस्टमेंट वहां ना के बराबर था, क्योंकि अनसर्टेनिटी वहां पर थी और वहां क्योंकि लैंड वो कंपनी प्रोक्योर नहीं कर सकती थी, बाहर से जाके कोई भी इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता था। तो इस दशा में जब ये 370 हट जाएगी या 35A स्क्रैप कर दी गई है तो अब कोई भी जाकर वहां प्रॉपर्टी खरीद पाएगा, कोई भी जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ एक प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट आता है एंड रियली जो जॉब क्रिएशन है वो गवर्नमेंट के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर जब प्लेयर के रूप में आता है तभी जो आके जॉब क्रिएट होती हैं। आज की डेट में गवर्नमेंट कितने जॉब दे पाती है और प्राइवेट सेक्टर कितने जॉब दे पाता है, जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर काम कर रहा था। वहीं के लोकल लोगों के ही वहां होटल्स थे, वहीं के लोकल लोगों की वहां दुकानें थी, वहीं के लोकल लोगों की छोटी मोटी इंडस्ट्री थी, बड़ी इंडस्ट्री तो वहां कोई थी नहीं। अब एक रास्ता खुलेगा कि जैसे और स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट आते हैं इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट आएंगे, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में आए चाहे हमारे देश के इन्वेस्टमेंट के रूप में जाए, और उनसे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर तो मुश्किल से 2% 3% रोजगार उपलब्ध कराता है, 90% रोजगार तो आपके बाकी जो सेक्टर्स हैं जिसमें के प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे उन्हीं से क्रिएट होता है। और ये 370 हटने से 35A के स्क्रैप होने से मेरा अपना ये मानना है कि आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर पर भी काफी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में जाएंगे और उससे वहां रोजगार भी कह सकते हैं जब इन्वेस्टमेंट होगा तेजी से लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा, तो जो युवा है वो भी सही डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नजर आएगा, हुए हैं वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। बिल्कुल, गोपाल चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड कर्नल। गोपाल जी, अब तक हमने देखा जम्मू कश्मीर में हमारे जो जवान है किस तरीके से मुस्तैदी से तैनात रहे, लेकिन क्या बर्ताव उनके साथ हुआ, किस तरीके से पत्थरबाज उन पर भी हमला बोलते रहे, लेकिन अब 370 हटा दी गई, 35A हटा दी गई, कितना सशक्त हमारा जवान जो है अब इसके बाद नजर आएगा जम्मू कश्मीर में, कितनी पावर और बढ़ती नजर आएगी अब? देखिए ये तो अभी कुछ दिन पहले इस बार की बात हुई थी, तो वहां पर जो स्पेशल आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट था उसका हम लोग इम्प्लीमेंट करके वहां पर भी कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब इस 370 हटाने के बाद लाइक अदर स्टेट्स गवर्नमेंट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी में अपने पावर इस्तेमाल करके वहां की फोर्सेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल चीजों को हैंडल कर पाएंगी ठीक से,
और फौज का जो काम होगा वो जो हमारा बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो हम पूरी तरीके से उस तरफ ध्यान दे पाएंगे। और अब हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी और जो इंटरनल वहाँ की प्रॉब्लम थी टेरिस से भी हैंडल करना पड़ता था यहाँ पर, वो लोकल पुलिस और बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह कर लेंगे। तो अब हम बहुत और कंसंट्रेट करके और जो अपनी पावर्स है उनको प्रॉपर इस्तेमाल कर जो टेरिस है उनको प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं और एलिमिनेट कर लेंगे वहाँ से ग्रेजुअली। अब जो वहाँ के लोकल हैं जो कि पाकिस्तान से फंडेड थे वो टेरिस को शेल्टर देते थे, यानी कि वो और उसमें लोकल लोगों का इंटरफेरेंस था, लोकल पुलिस भी इंटरफेरेंस करती थी, लोकल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया करते थे। और अब कम से कम आतंकवादी यहाँ पर आकर इतने मजबूत तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि 370 खत्म कर दिया गया, 35(1) खत्म कर दिया गया, एक सख्त एक्शन मोदी सरकार की तरफ से उठाया गया और ये बेहद ऐतिहासिक है।